हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट मैं बढ़िया से बाल धो के नहा कर आई हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। हालांकि ठंड बहुत हो गई है, क्योंकि 18th को जब से बारिश हुई थी ना, 18 तारीख को, तब से तो ऐसा मौसम है कि ऐसा लग रहा है कि ठंड एकदम वापस आ गई हो। लेकिन कल के दिन, यानी कल क्या था, डेट मेरे को याद नहीं है, कल के दिन धूप आई थी। 4-5 दिन बाद ऐसा लगा कि हाँ, मौसम ठीक हो जाएगा। ठंड ठंड से ना एकदम परेशानी सी होने लगती है। लेकिन आज का दिन बिल्कुल एकदम काला हो रखा है, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो जाएगी। तगड़ी वाली बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो फुहार फुहार होता है ना, बारिश वैसी हुई है और पूरा बादल लगा हुआ है। तो आज फिर काफ़ी ठंड है, और इवन ठंडी हवा भी उसके साथ में चल रही है, एकदम चिल्ड, ऐसे लग रहा है कहीं बर्फ़ पड़ी हो, ऐसी हवा चल रही है। तो सारे दरवाजे वगैरह हमने बंद करके रखे हुए हैं, जैसे ही खोलते हैं ना तो एकदम से ऐसे सीरन सी होती है। पैकिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो सबसे पहले ये वाली अलमीरा मैं ले रही हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ की अलमीरा में उतने ज़्यादा कपड़े नहीं है, इसमें बहुत हैं। मेरे और हस्बैंड के ज़्यादा कपड़े 70% इसमें रहते हैं, 30% जो हैं जैसे कि कोट वगैरह हो गया, जैकेट वगैरह हो गई, उस टाइप के कपड़े हम शेयर करते हैं सिद्धार्थ की अलमीरा के अंदर। तो पहले तो ये वाला पूरा जो सेक्शन है, इसको मैं ठीक कर रही हूँ, अलग अलग कैटेगरी वाइज रख रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर उसी तरीके से अरेंज करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं यहीं से उनको अलग अलग बैग्स में करके रख रही हूँ, जैसे लेगिंग अलग, टी शर्ट अलग, कुर्ता अलग, और जो पूरे सेट हैं प्लाज़ो दुपट्टा वाले, उनको अलग, नए अलग, पुराने अलग, डेली वेयर अलग, और बाहर आने जाने वाले अलग। इस तरीके से मैं उनको अलग अलग बैग्स में करके रख रही हूँ। बेडशीट वगैरह भी मैं यहीं पे रखती हूँ, जो मेरा साइड वाला, आप लेफ्ट साइड वाला देख रहे हो सेक्शन, उसके अंदर। तो वो सब भी मैंने बैग्स में करके रख दिए हैं, कि जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो बस वो बैग हमने निकाले और नीचे पहुँचा दिए। सारे सेग्रीगेट भी रहेंगे, तो एक बैग खोलूँगी और एक सेक्शन में उसको प्लेस कर दूँगी, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। हालाँकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हम बाद में ही करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना ऑर्गेनाइज कर देंगे कि हमारा डेली का काम चल जाए। तो बस आज मैंने 1-1.5 घंटा इसमें दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-1.5 घंटे में ये सारा सेग्रीगेट हो गया था। आज दादा और पोता का संगठन बन गया था कि भाई पिज्ज़ा खाएंगे, तो बाहर से पिज्ज़ा आया था, खाया उसको, और फिर हम चले आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम नहीं, कुल्फ़ी मैं कहूँगी, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जहाँ की बड़ी पसंद आई थी हस्बैंड को, जैन कुल्फ़ी करके है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। ये फुल है। क्वार्टर फोर फ्रेंच वाइट। बारिश इतनी जमा जम हुई है, ठंड इतनी हो गई है, और सब चले आइसक्रीम खाने। संदेश। लेकिन क्यों? अरे मगर तो यहाँ पे फलूदा, कुल्फ़ी ये सब मिलता है, और बड़ी लेट नाइट तक खुला रहता है, 12 बजे तक। अभी भी बहुत रात हो चुकी है, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे ही बाहर घूमे और कुल्फ़ी उल्फी खा के एक चक्कर मारा राउंड, और फिर घर वापस पहुँच गए। और मैं आप लोगों से बात करने आई थी, एक्चुअली मैं कमेंट पढ़ रही थी, पापा और माँ वहीं बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठ के बातें भी कर रही थी और कमेंट्स भी पढ़ रही थी। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ पहले। तो आज की वीडियो में ना, मैंने वो वाली वीडियो डाली आज नवरात्रि का फर्स्ट डे वाली, तो आज की वीडियो में ढेरों ढेरों कमेंट्स आए हैं कि सरिता, हमें तो लगा कि तुम अपने मकान में शिफ्ट हो गई होगी, तुमने बोला था कि संडे को शिफ्ट हो जाओगी, और तुम तो अभी यहीं से ब्लॉग डाल रही हो। तो आपको याद होगा उस ब्लॉग में मैंने ये भी कहा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, जो मुझे, मतलब मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो संडे हमें शिफ्ट तो करना था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ एक्चुअली, जैसे जब आप कुछ भी घर में काम करवाते हो, तो आप सब लोगों से रेफरेंस लेते हो, बात करते हो, और जो भी अच्छा कारीगर होता है फिर उसको आप अपॉइंट कर लेते हो, उसका काम देखते हो जाके। तो ऐसे ही जो हमारे फॉल सीलिंग वाले भैया हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, सिविल वर्क वाले हैं, इवन जो हमारे कारपेंटर हैं,
तो उन्होंने कहीं कहीं काम किया हुआ है, उनका काम देख करके हमने उनको अपॉइंट किया और उनसे काम करवाया। जो हमारे पेंटर थे ना, उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी में कहीं काम नहीं किया हुआ है। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कलीग जो उनके ऑफिस में काम करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने उनको बुलाया था। तो उन्होंने इतनी तारीफ़ करी थी ये बंदे की जो पेंट करने के लिए आने वाला था, बहुत अच्छा है, हाथ में बहुत सफाई है, ये वो। तो हमने उनको बोल दिया करने के लिए, और जो भी मटेरियल था, कम से कम 20,000 तक का सारा सामान हुआ था, 20 से 22,000, 20 का नहीं, ज़्यादा ही था। अगर वो जो छोटे छोटे रेक माल ये वो अगर आप सबको काउंट करो तो 22,000 के आसपास का सामान हमने उनको लाके दिया। और उन्होंने, क्योंकि हमें, जैसे कि आप डिस्टेम्पर करवाते हो तो उसका अलग प्रोसेस होता है, आप रॉयल शाइन करवाते हो तो उसका अलग प्रोसेस होता है, और भी बहुत तरह के कैटेगरी के पेंट होते हैं जिनका प्रोसेस अलग होता है, उसमें मेहनत भी अलग तरीके की होती है, फिनिशिंग भी अलग तरीके से दी जाती है। तो हमें उतना आइडिया नहीं था, और हमें थोड़ा बुद्धू भी बनाया उसने। उसने बोला कि जब पुट्टी हो रखी है तो फिर पुट्टी दोबारा क्यों करेंगे, जबकि जो हम पेंट करवा रहे थे उसमें पुट्टी दोबारा खिंचती ही खिंचती है, ऐसा नहीं होता है कि आप पुट्टी दोबारा ना करो। इन्होंने क्या किया, हमारा जो पूरा 20 लीटर की बाल्टी थी पेंट की, जो कि 11,000 रुपये की थी, 6,500 का प्राइमर था, मतलब जो 22,000 का हमारा सामान था पूरे घर में लगा दिया उन्होंने, जो कि आपने देखा ही होगा मेरे गृह प्रवेश वाले व्लॉग में, पूरे घर का पेंट हो चुका था। और तभी हम शिफ्ट किए थे, ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा ही था कि पेंट हो जाएगा और मेरा गैस चालू, मेरा किचन चालू हो जाएगा तभी हम, मतलब हमारा पूरा टारगेट था कि 13 तारीख तक हमारा ये दोनों चीज़ें हो जाएं, उसके बाद जो कमिंग संडे होगा उसमें हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो हमारा यही टारगेट चल रहा था, 13 तारीख से पहले ये सब हो गया। और जैसे उन्होंने एक रूम किया था ना, हमें खटका लगा था कि यार ये फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो बहुत ही बेकार, ऊबड़ खाबड़ सारा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, जिस हिसाब से पेंट है वैसा कुछ नहीं आ रहा है इसमें लुक। तो हमने बोला भी उनसे, तो उन्होंने बोला फिनिश तो होने दो, फिनिश तो होने दो, अभी तो एक कोट हुआ है, अभी तो दूसरा कोट करना है, ये वो करके उन्होंने तीन तीन चार चार कोट पता नहीं कहाँ कहाँ लगा दिए। इवन जो दीवार पे सीलन होती है ना, उसको भी उन्होंने रिमूव नहीं किया था। तो उसके बाद फिर हमने किसी दूसरे को दिखाया, ऐसे ही जैसे घर में आते रहते हैं ना, कोई सिविल वर्क वाला आया है, कोई आया, तो उन्होंने बोला कि पेंट अच्छा नहीं किया है, तो उनके थ्रू मुझे किसी और का पता चला पेंटर का, तो उनको बुला के मैंने दिखाया, तब हमें पता चला कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। और उसके बाद फिर मतलब हमारा इतना मूड ऑफ हुआ है ना, इतना मूड ऑफ हुआ है 3-4 दिन तक, तो मतलब ऐसा लगा कि यार कोई कैसे इतना ज़्यादा चीट करके सामने से, मुंह के सामने हमको चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने चीज़ को लेके। और अक्सर हम ये देखते हैं बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनका हाथ अच्छा ही होता है, और चीज़ों में भी मैंने देखा है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और फिर सारा काम वो ख़राब करके गया, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो हमारे लगभग 30,000 के आसपास का हमारा नुकसान हो गया है। फिर बहुत कश्मकश में पड़े 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 फिर हमने डिसाइड किया कि हम पूरा दोबारा पेंट करवाएंगे, पूरा दोबारा पेंट, पूरा जो हो चुका है उसको हटा करके फिर से पूरा दोबारा पेंट। और ये हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जो एक बार जब पेंट हो जाएगा ना ये वाला, तो ये 6-7 5-6 साल तो आराम से चल जाता है। वॉशेबल वाला है, तो आप थोड़े बहुत दाग लगे तो उनको वॉश कर सकते हो। इवन उन्होंने बोला कि अचार वगैरह के भी दाग हैं, उनको भी आप साफ़ कर सकते हो, जब वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तब आप उसको पानी से या सोप से भी क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि अभी तो जैसे कि हमारा सारा सामान यहाँ है, वहाँ कुछ है नहीं, तो अगर अभी हम वो करवाते हैं तो ठीक रहेगा, बिना सामान के दोबारा भी हो जाएगा तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन एक बार जब शिफ्ट हो गए ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। दूसरा क्या है, जो उसने सीलन वीलन बिना हटाए उसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया, वो 1 साल 1.5 साल में उखड़ना शुरू ही हो जाएगा, तो 1-1.5 साल बाद जब हमें दोबारा करवाना ही पड़ेगा तो क्यों ना थोड़ा सा पेन अभी ले लें हम। तो फिर हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये मतलब ये 30,000 अराउंड एकदम नेट लॉस है हमारा, नेट लॉस। और इतना ज़्यादा चीटेड ना मैंने फील नहीं किया कभी, कि ऐसे मुंह पे आके कोई इतना ज़्यादा आपको चीट करके चला जाए, एकदम मतलब पूरब का पश्चिम बता के चला जाए, ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, ये प्रॉब्लम हुई है। मैं बहुत ही हंसी और बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आपको बता रही हूँ, बट इसका जो इम्पैक्ट था हम लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, सीरियसली।
मेरे को तो पता है सोच सोच के इतना गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, और पता नहीं अजीब लगता है कि यार कैसे, मतलब ऐसे फेक क्लेम कैसे कर सकते हैं। कोई किसी की रिकमेंडेशन पे आता है ना, किसी के रेफरेंस से आता है, तो आप उस पर यकीन करते हो और ज़्यादा सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वो आपके किसी जानने वाले के रेफरेंस है। तो वही हमने भी किया था, उतना ज़्यादा हमने सवाल उठाया नहीं, हमने कहा हाँ इतनी तारीफ़ वो कर रहे हैं, खुद की भी इतनी तारीफ़ कर रहा है, मैंने इतना काम किया हुआ, उतना काम किया हुआ, हमने सोचा ठीक ही होगा। बट ये सब हुआ एक्चुअली, तो जो काम हो चुका था अब तक तो हम अपने घर में नवरात्रि मना रहे होते, शिफ्ट हो चुके होते, बट यही रीज़न है जिसकी वजह से हम अभी रुके हुए हैं। पूरा पेंट हो जाए, एक दो दिन में हो जाएगा। तो जो ये संडे आ रहा है, आज थर्सडे है, ये संडे को तो हमें शिफ्ट करना ही करना है, क्योंकि हमने जो हमारे मकान मालिक हैं उनको अगले महीने के लिए बोल दिया कि अप्रैल में उनको उनका घर हैंड ओवर हो जाएगा, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल क्या, मुझे लग रहा है 31 मार्च को ही हमको कीज़ हैंड ओवर करनी है। तो इसी वजह से हम 1 वीक डिले हो गए हैं। तो आप में से ना कई कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। चाय के साथ खाने के लिए मैंने खारी मंगाई थी, मुझे बड़ी पसंद आती है, फैन भी बोलते हैं इसको, और खारी ये ऐसे आती है, हल्दीराम्स की है, और इसके साथ में गर्मा गर्म सुबह वाली चाय, हमारी पहली चाय, माँ पापा की दूसरी चाय हो जाती है इस टाइम तक। तो अभी चाय पियेंगे, उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि उनको आज राइस ले जाने हैं टिफ़िन में, तो उनके लिए मैं नमकीन वाले जो राइस हैं, मटर वाले और काजू वाले, वो बना रही हूँ। बैंगन यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ, उसका हम भरता बनाएंगे, वो हमारा मतलब पापा माँ और मेरा जो है वो ब्रेकफास्ट होगा। बैंगन का भरता बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी भरता बन के तैयार हुआ था, रेसिपी शेयर करूँगी। अभी जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सब बिना लहसुन प्याज वाली हैं, तो आपको आइडिया भी मिलेगा अगले आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं नवरात्रि के, उसमें आप इनको बना के ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़े ही बनाए थे हस्बैंड के लिए टिफ़िन में, बहुत ही अच्छे बने थे, देखने के भी बड़े अच्छे बने थे, और एकदम एक एक ग्रेन अलग अलग, और खाने के भी बड़े अच्छे चटपटे से चावल भी बने थे। तो ये मैंने दे दिया है, दही वो वहीं से बाय कर लेंगे, और इसके साथ में दही बड़ा टेस्टी लगता है, या तो टमाटर की चटनी या तो दही, बहुत अच्छा लगता है। तो घर में तो दही था नहीं, तो बाहर से ही वो वहीं से ख़रीद लेंगे और इसके साथ में ले लेंगे। तो ये इनका टिफ़िन था, उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, जिसके लिए बैंगन मैंने रोस्ट किए, एक आलू कल का रखा हुआ था बॉयल, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी आलू अलग से बॉयल करके मैंने नहीं मिलाया। साथ ही टमाटर को भी मैंने जैसे बैंगन गैस पे रोस्ट किए हैं, टमाटर भी मैंने ठीक उसी तरीके से कर लिए हैं रोस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मैश, आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं छोटा छोटा, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रेशे नहीं चाहिए बैंगन के तो इनको चॉप कर लीजिए, ऐसे मिलाने से बेटर है, चॉप कर लें तो आपके बाइट में ना वो रेशापन जैसा नहीं आता है, बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैंने तो आज मैश ही कर लिया है, जब सिद्धार्थ के लिए बनाती हूँ ना तो फिर मैं छोटा छोटा कट करके ही बनाती हूँ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि जो साबुत सूखी मिर्च आती है उसको गैस पे भून करके वो भी ऐड कर सकते हैं, वही डाला जाता है जनरली। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है, उसके बाद इसको लगाएंगे हम तड़का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, इसके अंदर मैंने डाली है हींग, और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स इसके अंदर डालेंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है स्मोकी सा चिली फ्लेक्स का, ऐसे आप तड़के में अगर यूज़ करो। फिर हम डाल देंगे हरा धनिया, इस तरीके से इसको अच्छे से तड़क जाने दें और ये भरते के ऊपर इसको पोर कर दें। थोड़ा सा कच्चा तेल का जैसा भी फ्लेवर आएगा, क्योंकि तेल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, उसके पहले ही सामान डालना स्टार्ट कर दिया है, तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है, और ये भरता ना सुपर टेस्टी सुपर यम्मी बनता है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इसे आप एकदम कच्चा भरता है, मतलब ये कढ़ाई में फ्राई करने वाला भरता नहीं है, अगर ऐसा भरता पसंद करते हैं तो एक बार ये वर्ज़न बिना लहसुन प्याज का ट्राई करके देखना, आपको सच में अच्छा लगेगा।
इसके बाद थोड़ा सा फ्रिज मेरा गंदा हो रखा था, ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत ही गंदा था। ऊपर की जो मैट है ना वो उन पे स्पिलेज वगैरह हो गई थी, बाकी तो अंदर से उतना गंदा नहीं था। जब फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ये सारी अटैचमेंट मैं निकाल करके बाहर वॉश करती हूँ या करवाती हूँ और अंदर वाइप करके फिर से लगाती हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा फ्रिज था नहीं तो मैंने जस्ट स्प्रे कर दिया अंदर ही अंदर, कुछ भी अटैचमेंट बाहर नहीं निकाला है एंड बढ़िया से वाइप कर दिया है। और जितनी भी इसके वो थे ना जो बिछाती हूँ मैं मैट इनके नीचे, उनको निकाल करके उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। समाओ मुझे मैट लगा के मेरा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो लाइनिंग जो होती है ना लाइनर्स लगा के मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं लाइनर्स को हटाती हूँ ना तो मुझे फ्रिज बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छे से विजिबल होता है। हर रैक में आप ऊपर से भी देखो तो सब अच्छे से दिख रहा होता है। आप वो लाइनर्स लगा दो तो उसके बाद फिर दिखता नहीं है अच्छे से, फॉगी हो जाता है वो, अच्छे से ना देख नहीं पाते हो आपके नीचे तक पीछे तक क्या रखा हुआ है। और देखने में भी ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसे ही फ्रिज लगता है, बट क्योंकि थोड़ा सफाई का प्रॉब्लम होता है ऐसे ना तो इसीलिए मैं इसमें लाइनर्स डाल के रखती हूँ। आप मुझे बताना आपको भी क्या ऐसा होता है क्या कि बिना लाइनर्स के आपको फ्रिज अच्छा लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मैं वाइप करके रख रही हूँ क्योंकि शिफ्टिंग होनी है तो ये साफ़ सुथरे रहेंगे, तो मुझे वहाँ जाके हर चीज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत तो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी बट ऐसा भी नहीं होगा कि हर एक एक चीज़ साफ ही करनी है। तो जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना समय मिल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें मैं क्लियर करके रखती जाऊँ। और आज के दिन की दूसरी रेसिपी है राजमा रेसिपी, ये भी नो अनियन नो गार्लिक है। जनरली राजमा छोले इनको नो अनियन नो गार्लिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बढ़िया फ्लेवर नहीं आता है। लेकिन आज ये जो मैं राजमा बना रही हूँ ना, आज पता नहीं क्या था, बहुत यमी दोनों चीज़ें बनी हैं, बैंगन का भरता भी और ये राजमा तो कमाल का बना था। तो इसको मस्ट ट्राई है, ये ज़रूर ज़रूर ट्राई करना ये वर्ज़न। तो राजमा मैंने नमक डाल के उबलने चढ़ा दिया, कोई खड़ा मसाला उसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने स्टेम्स लिए हैं धनिया के, थोड़े से अदरक के टुकड़े लिए हैं कुछ, तीन मैंने छोटी छोटी ग्रीन चिलीज़ ली हैं, तीन यहाँ पे मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इनको कट करके ऐड कर दीजिए और इनको पीस करके इनका पेस्ट बना लीजिए। और हाँ, यही नहीं, हम इसके अंदर थोड़े से काजू भी यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 काजू या फिर 8-10 काजू एकदम परफेक्ट है इतने राजमा के लिए। एक पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, जीरा ऐड कर दिया थोड़ा सा। और आज मेरा ना राजमा में बिल्कुल खड़े मसाले डालने का मन नहीं था, तो कुछ भी खड़े मसाले मैंने नहीं डाले, आप चाहो तो डाल सकते हो, आज मेरा मूड नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इसके अंदर हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और राजमा मसाला, सारे मसाले मैंने तेल में ही ऐड कर दिए हैं। मसाले जब आपके थोड़े थोड़े से भुन जाएंगे तब हम इसके अंदर ये पेस्ट ऐड कर देंगे, टमाटर, जिंजर, ग्रीन चिली और जो जो हमने डाला है पेस्ट में आपने देखा ही है। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत रखिएगा कि आपके मसाले जल जाएं, जलने बिल्कुल नहीं चाहिए, बड़े आराम से धीमी आंच पे आप इनको भूनिए और उसके बाद ये पेस्ट ऐड कर दीजिए अच्छी तरीके से। अब ये पेस्ट को आपको भूनना है और याद रखिए जब भी हम काजू या बादाम यूज़ करते हैं किसी भी पेस्ट में तो फिर हमें उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ये पेस्ट को ढक के छोड़ दो और फिर ये चिपक जाएगा, नीचे से चिपक जाएगा क्योंकि हमने काजू यूज़ किया है इसके अंदर, तो लगातार आपको इसे चलाते रहना पड़ेगा। ग्रेवी का ना आप कलर तो देखो कितना मज़ेदार आया है ना, ऐसा कलर हमको चाहिए। बढ़िया से आपकी जो ग्रेवी है वो पक चुकी है, एकदम ग्रेनी और शाइनी सी ग्रेवी हो गई है, दैट मीन्स ये डन है। अभी हम इसके अंदर थोड़े से यहाँ पे राजमा बॉईल वाले ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। एक हमें थिकनेस चाहिए ग्रेवी के अंदर, तो वो यहाँ पे दो तीन चीज़ों से ऐड हो रही है। ऐसे क्या होता है, ये सारी थिकनेस का काम प्याज कर देता है, लेकिन अभी हमें उस थिकनेस को लाने के लिए थोड़े से काजू, थोड़ा से टमाटर और थोड़ा सा ये खुद राजमे को यूज़ करना होगा वो थिकनेस के लिए, इसीलिए हमने थोड़ा सा राजमा मैश कर दिया है बस। और बाकी के सारे राजमा भी डाल दिए, नमक डाल दिया और पानी वगैरह जस्ट अगर
कम लग रहा है तो वो कर दीजिए और बस इसको बढ़िया तरीके से बॉईल कर दीजिए। एक तरफ मैंने उसको बॉईल करने चढ़ाया हुआ है, दूसरी तरफ मैं एकदम क्विक वाले यहाँ पे पेपर राइस बना रही हूँ, यानी काली मिर्च वाले चावल। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है शाह जीरा, नॉर्मल वाला नहीं, शाह जीरा आप डालें इसमें, साथ ही ब्लैक पेपर ऐड की है। अभी हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने 15-20 मिनट पहले वॉश करके रख दिया था। उसको ऐड करने के बाद आप इसको भून लीजिए, कम से कम 6 से 7 मिनट आपको लगते हैं राइस को अच्छी तरीके से भूनने में। जब इतना टाइम आप लगाते हो तो फिर आपके राइस ना एकदम परफेक्ट नॉन स्टिकी और बहुत ही यमी बनते हैं। तो अच्छी तरीके से मैं इसको मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ, साथ ही साथ इसमें मैंने ब्लैक पेपर आधा छोटी चम्मच ऐड कर दिया है, कुटा हुआ पिसा हुआ, और थोड़ा सा नमक भी इसमें जाएगा, ज़रा सा नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे गर्म पानी या फिर बॉइलिंग वाटर ही आप यूज़ करें, ठंडा पानी ना डालें, और बस इसको ढक दें। हालांकि ये कुकर में आपको दिख रहा है लेकिन मैं इसमें सीटी नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसको ऐसे ही ढक करके और खुला ही पकाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा राजमा तैयार है, कितना मज़ेदार कलर आया है इसका, और ग्रेवी की थिकनेस आप देख ही सकते हो, एकदम थिक बढ़िया ग्रेवी बनी है, कहीं से कहीं तक कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी कि इसमें हमने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। ये इतना डिलीशियस बना था, बहुत बहुत पसंद आया ये घर में सबको। हरा धनिया बिना तो मज़ा नहीं आता है ना राजमा में, तो हरा धनिया ज़रूर डालें। और बस ये बन गया हमारा राजमा, राइस भी उधर हो गया है, थोड़ा सा सैलड बना लेते हैं। तो यहाँ पे खीरा मैंने कट किया है, इसके अंदर हरा धनिया और स्प्लिट ग्रीन चिलीज़ भी मैंने ऐड किए हैं। थोड़े बहुत मसाले हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, जैसे कि चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और काला नमक, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारा क्विक सैलड बन गया है। यही सेम चीज़ हम जब टमाटर कह रही हूँ प्याज के साथ करते हैं ना, तो वो प्याज का लच्छा प्याज बन के तैयार होता है। हम तो प्याज खा नहीं रहे हैं तो इसीलिए हम खीरे के साथ वैसा करेंगे और ये खीरे बड़े टेस्टी लगते हैं। चाहिए तो थोड़ा नींबू का रस भी आप इसमें डाल लो, मेरे घर में लेमन था नहीं तो मैंने यूज़ किया नहीं। तो ये देखिए हमारे कितने बढ़िया से चावल भी बनके तैयार हैं, और अब चलिए कर देते हैं फटाफट प्लेटिंग। पापड़ भी मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे, और राजमा चावल के साथ बूंदी का रायता बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी ठंड ठंड सी हो रखी थी इसलिए मैंने बनाया नहीं, कहीं किसी को नुकसान कर जाए, आप चाहें तो बना सकते हैं। और कितनी यमी अच्छी ये थाली लग रही है, इसको ट्राई करना बिना लहसुन प्याज के, ये राजमा मस्ट ट्राई है, एक बार ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।